हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एजेएस स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एडजेक्टिव यानी विशेषण के बारे में। इससे पहले हम अपनी वीडियोज में पढ़ चुके हैं नाउन और प्रोनाउन के बारे में। अगर आपने वे वीडियोज नहीं देखी हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वीडियोज़ की लिंक दे रखी है, उन्हें में जाकर देख सकते हैं। क्योंकि एडजेक्टिव पढ़ने से पहले नाउन और प्रोनाउन का जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आप लोगों को नाउन और प्रोनाउन आएगा तभी आपको एडजेक्टिव समझ में आएगा। तो चलिए बिना किसी रुकावट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं एडजेक्टिव की डेफिनेशन को। एडजेक्टिव की डेफिनेशन होती है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। यानी एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। अथवा हम दूसरी परिभाषा देख सकते हैं, एडजेक्टिव इज वर्ड विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन। यानी वह शब्द जो नाउन और प्रोनाउन के पहले उनकी विशेषता बतलाने के लिए ऐड किया जाता है उसे ही हम एडजेक्टिव कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम कहें राम इज अ गुड बॉय। यहाँ पे बॉय जो है नाउन है और ये जो गुड है वो एडजेक्टिव है। यहाँ पे नाउन की विशेषता ये गुड से पता चल रही है क्योंकि राम एक अच्छा लड़का है और अच्छा इस बॉय की विशेषता है। राम की विशेषता बतला रहा है, राम जो है लड़का, और राम की विशेषता बतला रहा है ये गुड कि राम एक अच्छा लड़का है, इसलिए यह एक एडजेक्टिव होगा। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सीता एक सुंदर लड़की है, यानी सीता एक लड़की है जो कि कैसी है, सुंदर है, यानी उसकी विशेषता है ब्यूटीफुल। यहाँ पे गर्ल है नाउन और नाउन की विशेषता बता रहा है ये ब्यूटीफुल, और ये ब्यूटीफुल होगा एडजेक्टिव। दोस्तों आइए देख लेते हैं एडजेक्टिव के प्रयोग के बारे में, यानी यूजेज ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का यूज बेसिकली दो टाइप से किया जाता है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के रूप में। तो आइए देख लेते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, व्हेन एन एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर ए नाउन इन अ सेंटेंस इट इज कॉल्ड एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। यानी जब कभी भी एडजेक्टिव का यूज नाउन और प्रोनाउन के पहले किया जाता है तो इसे ही हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, इंडिया हैज ए बिग आर्मी। यहाँ पे आर्मी हो गया नाउन और नाउन के पहले ये बिग जो है ये है एडजेक्टिव। तो इस प्रकार से जब एडजेक्टिव का यूज होता है तो इसे हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, सी वाज ए लेबोरियस गर्ल। यहाँ पे गर्ल नाउन है और नाउन के पहले ये लेबोरियस शब्द का यूज हुआ है जो कि एडजेक्टिव है। तो इस प्रकार से जो एडजेक्टिव यूज होता है उसे हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। आइए देख लेते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, भैन एन एडजेक्टिव इज यूज्ड आफ्टर नाउन और प्रोनाउन इट इज कॉल्ड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। यानी दोस्तों जब हम एडजेक्टिव का यूज नाउन और प्रोनाउन के बाद करते हैं तो उसे हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, ही वाज इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस यानी वह मेहनती है। अभी ही यहाँ पे प्रोनाउन है और प्रोनाउन के बाद यहाँ पे
एडजेक्टिव का यूज किया गया है। तो इस प्रकार से हम जब भी एडजेक्टिव का यूज करते हैं तो उसे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, क्योंकि प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव में क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन के बाद में एडजेक्टिव का यूज किया जाता है, और जब नाउन और प्रोनाउन के बाद में एडजेक्टिव का यूज किया जाता है तो उसे हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, लता इज इंटेलिजेंट। तो इसमें देखिए, लता एक गर्ल है और ये नाउन है, और नाउन के बाद यहाँ पे एडजेक्टिव का यूज है। तो इस प्रकार से हम एडजेक्टिव के यूज को हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से हमने एडजेक्टिव के बारे में जानकारी ली, डेफिनेशन जानी, उसके यूज के बारे में देखा। अगली वीडियो में हम टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे।